जय श्री राम दोस्तों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में कुछ ऐसे फूलों के बारे में हम आपको आज बताएंगे जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर में उत्पन्न हो रहे सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का और समस्याओं का नाश करते हैं। दोस्तों, हमारी पूजा अर्चना में फूलों का बहुत बड़ा महत्व है। फूलों में बहुत सी सकारात्मक ऊर्जाएं होती है। यदि आप भगवान को फूल अर्पित करते हैं तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आप रोज़ अपने घर के मंदिर में ताजे फूलों को भगवान को अर्पण करते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती है और वास्तु दोष का नाश होने में मदद करती है। तो इसीलिए हमेशा अपने घर के मंदिर में भगवान को ताजे फूल अर्पण करना बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, आपके घर का मंदिर आपके घर के यदि उत्तर पूर्व दिशा में है तो ये वास्तु अनुसार बहुत शुभ माना गया है। आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश की मूर्ति ज़रूर रखें। इससे आपके जीवन में कार्यों में सफलता प्रदान होती है। भगवान श्री गणेश को तुलसी का पत्ता कभी अर्पण नहीं करें। इससे आपके जीवन में कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। यदि आप भगवान श्री गणेश जी को जासवंद का फूल या दुर्वा अर्पित करते हैं तो इसका विशेष फल आपको प्रदान होता है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप 21 दुर्वा रोज़ाना भगवान श्री गणेश जी के मूर्ति पे चढ़ाते हो तो भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा आप पे हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा आपके घर के मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति होना भी बहुत शुभ माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी का वास निरंतर आपके घर में बना रहता है। भगवान श्री विष्णु को यदि आप पीले रंग के फूल, केवड़े के फूल या चमेली या कमल के फूल अर्पित करते हैं तो इससे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में वास करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जहाँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास होता है उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी भी उनके साथ में रहती है और उनकी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा घर के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति होना बहुत आवश्यक है। यदि श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति आपके घर के मंदिर में है तो इससे आपके घर के सदस्यों के बीच में हमेशा प्रेम की भावना उत्पन्न होती रहती है और कभी भी आपके घर में झगड़े या कलह की स्थिति निर्माण नहीं होती है। याद रखें, भगवान श्री कृष्ण को रोज़ाना अगर तुलसी के फूल या तुलसी के पत्ते आप अर्पित करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि रोज़ाना भगवान श्री सूर्य देव को आप हल्दी डालकर एक सफ़ेद कलर का पुष्प डालकर जल अर्पित करते हो तो हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में श्री सूर्य देव भगवान की कृपा से सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि महादेव को सफ़ेद कलर के फूल आप अर्पित करते हैं तो महादेव भगवान की विशेष कृपा आपको प्रदान होती है। इसके अलावा घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल कलर के पुष्प या गुलाब के फूल अर्पित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी हमेशा आप पर प्रसन्न रहती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर में हनुमान चालीसा अपने घर के मंदिर में रखना भी बहुत शुभ माना गया है।
इसके रखने से आपके घर में जो भी संकट उत्पन्न हो रहे हैं उनका भगवान श्री हनुमान जी नाश कर देते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।